देखिए प्रभास भैया के सलार से काफी घटिया न्यूज आ चुका है। एक्चुअली भाई कल सलार के म्यूजिक डायरेक्टर रवि वासरूर मीडिया में एक बड़ी शॉकिंग बात बोल दिए हैं। उनका बोलना है सलार एक रीमेक फिल्म है, वो भी उग्रम का। हम वाले कंपनी ने ऑफिशियली उसका रीमेक किया है। आप बता दो उग्रम का साल 2014 में प्रशांत नीली बनाए थे और उस उग्रम के हीरो हैं श्री मुरली, जो एक गैंगस्टर फिल्म थी और उसका भी टाइमलाइन 1994 का था। और उसी उग्रम के हीरो श्री मुरली आज के एजीएफ यूनिवर्स का बगीरा भी बना रहे हैं। भाई सलार के म्यूजिक डायरेक्टर ने जब ये बात डायरेक्ट मीडिया में बोल दिया है तो हम उनकी बात को गलत भी नहीं बोल सकते हैं। ज्यादा चांस है कि सलार रीमेक हो उग्रम का, क्योंकि कुछ फुटेज भी मैच हुआ उग्रम का सलार से, जिसको देखने पर लगता है भाई ये तो सेम कॉपी किया गया है। और मजे की बात यह है कल अचानक से मेकर्स ने यूट्यूब से श्री मुरली की उग्रम फिल्म को हटा दिए हैं। तब भाई इसके बाद और भी फैंस को लगने लगा है पक्का कुछ घोटाला किया है हम्बाल कंपनी ने प्रभास की सलार को लेकर। बाकी देखते हैं आगे इसके बारे में क्या न्यूज सामने आती है। देखिए प्रभास भैया के सलार का हिंदी राइड अब बेच दिया है हम वाले कंपनी ने, वो भी डबल ए फिल्म कंपनी को। आपको बता दूं ये कंपनी प्रभास की 3 फिल्म को नॉर्थ इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट किया था और साथ में KGF 1 और KGF 2 को भी। यानी हम वाले कंपनी के हर एक फिल्मों को यही डबल ए फिल्म रिलीज करता है हिंदी मार्केट में। और अब इस सलार का भी जिम्मा इसी कंपनी को सौंप दिया गया है। और इससे भी कमाल की बात यह है ये कंपनी रवीना टंडन की है, इनका ही हस्बैंड अनिल ठंडलानी मालिक हैं डबल ए फिल्म कंपनी की। सलार के बाद थाला फटी विजय के लियो से भी बड़ी अपडेट आ गई है, वो भी उसके हिंदी राइट से ही। एक्चुअली भाई लियो को भी हिंदी में डिस्ट्रीब्यूट यही डबल ए कंपनी करेगा, गोल्डमाइन नहीं। शायद हो सकता है फिल्म रिलीज होने के बाद अपने YouTube चैनल पर चलाने के लिए गोल्डमाइन ने लियो को खरीदा होगा 7 स्टूडियो कंपनी से, बट असल में थिएटर में रिलीज हिंदी मार्केट के अंदर यही डबल ए कंपनी करेगा। और ये कंपनी रणबीर कपूर के एनिमल को भी डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है नॉर्थ इंडिया में। यानी कि भाई सलार, लियो और एनिमल इन तीनों को बड़ा अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी मिल गया है, जो तीनों के लिए बड़े स्केल पर स्क्रीन का बंदोबस्त करेगा। शायद KGF के जैसा लियो को भी अच्छा खासा स्क्रीन ये डबल ए कंपनी मैनेज कर ले रिलीज करने के लिए। तब भाई लियो भी नॉर्थ इंडिया में तबाही मचा सकता है अगर फिल्म अच्छी बन गई हो तो। वैसे लियो का अभी तक 32,500 टिकट बिक चुका है UK के मार्केट में अहिस्मा कंपनी के अनुसार, जो सच में बड़ी अच्छी बात है। NTR भैया की देवरा का अब फाइनली OTT राइट बेच दिया गया है, वो भी पूरे 90 करोड़ में। अभी कंपनी का नाम सामने नहीं आया है किस OTT के दुकान पर ये देवरा बिका है, बट ये प्राइस सच में काफी अच्छा है। वैसे आप जानते होंगे NTR की देवरा में काफी वाटर एक्शन किया जा रहा है, और कुछ ही दिन पहले फिल्म के अंदर NTR के साथ एक्शन करने के लिए एक शार्क मछली का कास्टिंग किया गया था। लेकिन भाई न्यू खबर यह है इस फिल्म में शार्क से भी बड़ी मछली का कास्टिंग हो चुका है, और वो मछली है व्हेल। जी हाँ भाई, देवरा में एक सीन यह भी होगा जहाँ NTR एक बड़ा व्हेल का सामना करेंगे और उससे जान बचाकर भागेंगे पानी से। पता नहीं भाई ये देवरा कोई गैंगस्टर फिल्म है या हॉलीवुड के जैसा एडवेंचर फिल्म बना रहे करोटला सिवा। खैर जो भी हो, बट ये देवरा दिन पे दिन और भी ज्यादा एक्साइट करे जा रहा है अपने कंटेंट से। बाकी देखा जाए किस कंपनी ने NTR की देवरा का OTT राइट खरीदा है। देखिए फाइनली कनाडा के सिवा राजकुमार राव की घोस्ट कटलर आ चुका है सभी भाषा में एक साथ। वैसे मुझे घोस्ट का ट्रेलर उतना कुछ अच्छा नहीं लगा है, 1% भी समझ में नहीं आया ट्रेलर में आखिर हो क्या रहा है। और उससे भी बड़ी घटिया बात, ट्रेलर का नरेशन काफी गंदा हुआ है। शायद इनको कोई अच्छे डबिंग आर्टिस्ट से करवाना चाहिए था डब, या फिर अनुपम खेर ही अच्छे से डब कर देते इस प्रोमो को तो कुछ मजा भी आ जाता। ओवरऑल घोस्ट का ट्रेलर कुछ खास इम्प्रेसिव नहीं है, और हो सकता है फिल्म का स्टोरी में दम हो, लेकिन इस घोस्ट के ट्रेलर ने सही में निराश कर दिया है ऑडियंस को। बाकी आपको कैसी लगी घोस्ट का ट्रेलर हमें कमेंट में जरूर बताना। तो जैसे कि आप जानते होंगे ड्रीम गर्ल 2 के डायरेक्टर राजेश सिंधिया के साथ एक फिल्म का कोलैबोरेशन किए थे राजकुमार राव। तो भाई उस फिल्म का पहला पोस्टर आ चुका है,
एक्चुअली में इस फिल्म का नाम विकी विद्या का वो वाला वीडियो है और ये फुल पारिवारिक मूवी होगी ड्रीम गर्ल के जैसा ही कॉमेडी जॉनर की और इसको प्रोड्यूस करेगा टी सीरीज कंपनी और फिल्म का टाइमलाइन 1990 का होगा और राजकुमार राव के अपोजिट में कल्ला की तृप्ति डिमरी की कास्टिंग किया गया है। पक्का इस बार भी राज संडिया 1990 के टाइमलाइन में एक बढ़िया सी कॉमेडी फिल्म बनाएंगे राजकुमार राव के साथ। अब चलिए भाई बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे वैक्सीन वार से। देखिए नाना पाटेकर की वैक्सीन वार ने जहां फ्राइडे के दिन 90 लाख रुपए कलेक्शन किया था तो वहीं कल शनिवार के दिन वैक्सीन वार ने 95% के ग्रोथ के साथ सीधा 1,75,00,000 रुपए कमाई कर लिया पूरी इंडिया में और इसी के साथ वैक्सीन वार का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 3 दिन में 3,50,00,000 रुपया हो चुका है और वो वर्सेज मिलाकर फिल्म ने 4,35,00,000 रुपया कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। शायद आज संडे को भी वैक्सीन वार का अच्छा ग्रोथ हो सकता है बॉक्स ऑफिस पर। अब चलिए वैक्सीन वार के बाद अस्कंदा पर आ जाते हैं। देखिए राम पठानिया के अस्कंदा ने जहां फ्राइडे के दिन 5,05,00,000 रुपया कलेक्शन किया था तो वहीं अस्कंदा ने कल शनिवार के दिन सिर्फ 5,03,00,000 रुपये कलेक्शन किया है जिसमें से हिंदी बेल्ट से 4,00,000 रुपये कलेक्शन हुआ फिल्म का और इसी के साथ अस्कंदा का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 3 दिन में 21,85,00,000 रुपया हो चुका है और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 29,25,00,000 रुपये कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। यानी कि भाई अस्कंदा भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है थिएटर का, यह भी विजय की खुशी की जैसा जल्द ही थिएटर से उतर जाएगा अगर इसका गिरावट शनिवार और संडे जैसे दिन में भी हुआ तो। अब चलिए हिंदी के फुकरे 3 पर आ जाते हैं। देखिए फुकरे 3 ने जहां फ्राइडे को 7,21,00,000 रुपए कलेक्शन किया था इंडिया के बॉक्स ऑफिस पर तो वहीं कल शनिवार के दिन फुकरे ने 11,70,00,000 रुपए कलेक्शन कर लिया है और इसी के साथ फुकरे का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 3 दिन में 28,30,00,000 रुपया हो चुका है और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 36,50,00,000 रुपया कमाई कर लिया पूरी दुनिया के मार्केट में। देखिए शाहरुख खान के जवान ने कल शनिवार के दिन बड़ी कलेक्शन कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। जवान ने जहां फ्राइडे के दिन 5,05,00,000 रुपया कलेक्शन किया था तो वहीं कल शनिवार के दिन जवान ने 8,05,00,000 रुपया कमाई कर लिया पूरे इंडिया में और इसी के साथ जवान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 24 दिन में 595,45,00,000 रुपया हो चुका है और ओवरसीज मिलाकर फिल्म ने 1,070,10,00,000 रुपया कलेक्शन पूरा कर दिया वर्ल्ड वाइड मार्केट में। शायद जल्द ही शाहरुख खान की जवान 1,100 करोड़ तक भी पहुंच सकता है बॉक्स ऑफिस पर। बाकी भाई इस फिल्म मैनिया के इस एपिसोड में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दीजिएगा।